أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفسي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: محترم قابل احترام علماء كرام مشاركين ومشاركات سامعين وسامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज का ये शान प्रोग्राम जो मनद हुआ है और जिस मौजू पर मुझे खिताब करना है वह है साल का अख्ताम और महासभा नफ्स एक अहम बात की वजाहत मैं कर देना चाहता हूँ शुरू में कि देखिए यहाँ अनवान जो रखा गया साल का अख्ताम और महासब नफ्स को जोड़ा गया ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम साल ख़त्म होते वक्त अपना महासभा करें आगे जो बातें मैं बताऊंगा उस अहमियत के पेश नज़र इस इसवान को जो है इस लफ्ज़ से जोड़ा गया वरना मुहासबा हमें रोज़ाना करना चाहिए नफ्स का मुहासबा हर दिन हर सुबह आने वाली हर सुबह और जाने वाली हर रात गुज़रने वाली हर रात में हमें जो है सोने से पहले अपना मुहासबा करना चाहिए एक अखल मन की यही निशानी है अलामत तो आइए आज का जो हमारा मौजू है सबसे पहले मौजू की मैं वजात कर देना चाहता हूँ साल का अख्ताम हम जानते हैं साल जब ख़त्म हो और एक साल जब मुकम्मल होता है नया साल शुरू होने वाला होता है तो उस मौके पर अपने नफ्स का हमें मुहासबा एहतसाब नफ्स जिसको कहते हैं इसका क्या मतलब है हाँ सब से लफ़ आता है मुहासबा हिसाब लेना अपना अपना जो है हिसाब करना अपनी अपने जो भी मामला हैं अपने जो भी जो भी काम हम करते हैं उसका हिसाब लें। और शरियला में एक मुसलमान जो मुख्तलिफ इबादत मुख्तलिफ अमाल मुख्तलिफ काम छोटे बड़े अंजाम देता है, उसमें जो भी कमी बेशी होती हैं जो भी नक्श या इजाफ़ा उसमें होता है इसी तरह वो काम नेकी हैं या बदी हैं अच्छा काम है या बुरा काम है वो शर है या खैर हैं इन तमाम चीज़ों का हिसाब लेना इसमें और फिक्र करना और क्या अच्छा है उसको इख्तियार करना और जो बुरा है उसको छोड़ देना ये महासवः नफ्स इसको कहा जाता है अलमा ने इस तरह उसकी तारीफ बयान की और महासवः नफ्स देखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेशुमार मकाम पर अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है कबल इसके के मैं उन मुसूस को ज़िक्र करूँ हम और आप जानते हैं कि जमाने की उम्र से जो है एक साल और रुख्सत हुआ चाहता है हम अभी जो है माहा में दाखिल होना उसके बिल्कुल हम करीब हैं ये साल बिल्कुल जो है ख़त्म होने पर इस्लामी साल और एक साल के दौरान हालात ने कई करवटें जो हैं बदली कितने लोगों को हमने मरते हुए देखा कितने लोगों की ख़बरें हमने जो है रोज़ाना सुनी और सुन रहे हैं आए दिन जो है कई लोग मर रहे हैं चाहे बीमार हों सेहतमंद हों बच्चे हों बूढ़े हों औरतें हों जवान हों कोई भी हो हर एक के बारे में मुसलमान हो गैर मुसलमान कसरत से जो है अमुत वाक़ हो रही हैं और उम्मत इस्लामिया कितने मसाईआलाम खौफनाक हालात से दो चार हुई हैं हो रही हैं जिन्होंने जो है रातों की नींदें उछाट कर दी हैं अकलों को मुतरब परेशान कर दिया है और दिलों की तरावटों को जो है खुश करके रख दिया है ऐसे हालात से हमारा आप गुज़र रहे अकबर ये गाफ़िल एक, एक अक़ल मंद का अंदाज़ फ़िक्र क्या होना चाहिए हम और आप को जो अक्ल मंद है अल्लाह ताला ने नेकल और जिनको अल्लाह ताला तकमत अता की हैं दानशमंदी अल्लाह नेता की हैं उनको और फ़िक्र करना चाहिए ये शब व रोज़ ए लो नहार ये अयाम जो गुज़र रहे हैं एक अदही मकसद के लिए अल्लाह तब को इस दुनिया में भेजा है हमें अपने मकसद को मकसद हसी हकीकी ज़िंदगी का मकसद जो बंदगी हैं और इसी तरह अल्लाह के हकूक़ जहाँ हमें अदा करना है बंदों के हकूक़ अदा करना अपने नफ्स के हकूक़ अदा करना है और इन तमाम हकूक़ की अदायगी के, के सिलसिले में अपना जायज़ा लेना है जो भी हम कर रहे हैं वो सही है या गलत जो भी हमने अब तक किया माजी में जो कुछ किया वो गुनाह के काम थे या अच्छे काम थे हाल में जो हम कर रहे हैं उस पर भी ग़ौर हमें करना चाहिए और इसी तरह हर क़सम की गफ़लत सुस्ती काहली से हमें बचते हुए बचाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और अहल बसरत की ये सिफत होती हैं कि इंतहाई बाबरत चीज़ और नसीहत मज़्ज़त का जो है जो भी चीज़ बन सकती हैं, उसे इबरत हासिल करते हैं दर्स लेते हैं नसीहत हासिल करके अपनी ज़िंदगी में इनकब लाने की कोशिश करते हैं हसन बशीर रिम ये कहाँ करते थे

बहुत सारे कुरानी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हम और आप आपको एहतसाब नफ्स पर अल्लाह ताला, ताला ने तिर उभारा ही नहीं उसकी तरगीब नहीं दी बल्कि अल्लाह ने वजूब के हैसियत से अल्लाह ताला, ताला ने खिताब करके मोमिनों से कहा सूरह माईदा की जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी या यदीना अमनकुम अलैकुम सकुम अल्लाह ने कहा है लोगों लोगों जो ईमान लाए हों ई ईमान से खिताब करते हुए अल्लाह ने कहा अलैकुम कहाकुम तुम अपनी फ़िक्र करो तुम्हें चाहिए कि अपने नफ्स की फिक्र करो लेकिन आयत का जो अगला हिस्सा है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी फिक्र करें दूसरों की फिक्र ना करें दूसरों की असलाह ना करें ऐसा मतलब नहीं है जैसा कि अबू बकर से, से इस आयत की तफसीर में उनका जो खलीफा बनाए जाने के बाद आपने उसकी वजाहत की और फरमाया कि इस आयत की हैसियत और जो लोग तुम माना समझते हो उसको जो मकाम देते हो वैसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर अपनी फ़िक्र करो और भलाई का हुक्म ना दो बुराई से ना रोको बल्कि ये मतलब नहीं जब हजरत क़ायम हम कर रहे हैं किसी को बुला रहे हैं फिर भी वो गुमराही का शिकार हो जाता है तब ये कहा गया कि हम अपनी फ़िक्र करें बहरहाल, इस आयत करीमा में अल्लाबारमीन ने तमाम मोमिनों को दावत फ़िक्र दी महासब नस पर अल्लाह ताला ने उभारा और दूसरी आयत करीमा जो शुरू में मैंने पढ़ी सुर हशर की सबसे बेहतरीन आयत है महासब नफ्स के सिलसिले में वलतन दुर नफ्स माकदम अल्लाह ताला ने शुरू में जो है अल्लाह से डरने का हुक्म दिया फिर कहा वल तंदुर नफ्स माकद मतलगद हर एक को गौर करना चाहिए मुहासभाबा करना चाहिए अपना हिसाब लेना चाहिए कि कल क़ियामत के लिए उसने क्या आगे भेजा है क्या तैयारी की है आमाल की इबादतों की जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया उस मकसद में वो कहाँ तक कामयाब है अपनी इबादत अपने हकूक़ मामलत और जिस जो भी हम अंजाम दे रहे हैं उसके लिए फ़िक्र करें कि दुनिया में रहकर उस आखिरत की तैयारी के लिए जो अल्लाह ने दुनिया में भेजा है उसके लिए कहाँ तक हम तैयारी कर रहे हैं इस बात पर अल्लाह ने उभारा है और दावत अल्लाह ने दी कि हम बार बार अपना मुहासभा करेंलाबन रही ने बहुत सारी बातें ज़िक्र की हैं उसमें इन्होंने ये भी कहा कि एक कामयाब एक अक्लमंद मोमिन के लिए ज़रूरी हैं एक अक्लमंद मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं रोज़ाना अपना मुहासभा करें और आपने इस बात पर उभारा कि सोने से पहले अपना हिसाब लें कि सुबह से शाम तक उसने क्या काम किए अच्छे काम अगर किए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर गुनाह किए हैं लोगों के हकूक़ छीने हैं या अदा नहीं किए हैं उसको अदा करके सो जाए लोगों से माफ़ी मांगे बास गुनाह ऐसे हैं जिसको हम अदा नहीं कर सकते जिसका इंतकाल हो गया या कुछ हकूक़ ऐसे हैं जिसको अदा नहीं कर सकते माफ़ी मांगे लोगों से और जो हकूक़ हम अदा कर सकते हैं किसी का माल हमने छीना किसी का पैसा हमने बतौर ख़र्ज लिया है या कि किसी भी शक्ल में जो भी ग़लती जिस माने में जिस हैसियत से हुई है उसके तदारुक के लिए जो हर मुमकिन कोशिश हो सकती है उसको करने की कोशिश करें आने वाला कल आएगा लेकिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं इसकी कोई ज़मानत नहीं आने वाला हर नफ़ आने वाले हर दिन हर हफ़्ता महीने साल को ग़नीमत हम जाने और अल्लाह की इबादत सही तौर से अंजाम दें इसी तरह बंदों के हकूक़ अदा करने की पूरी हम कोशिश करें इसी तरह अल्लाह ताला ने और बहुत सारे मकामा पर अल्लाह ने महासब नफ़ पर अल्लाह ने उभारा है नफ्स के तस्किए की दावत अल्लाह ने दी आला मशहूर सूरत है हर जुमा हम उसको सुनते हैं हम भी खुद भी पढ़ते हैं इनफरादी ज़िंदगी में कद ख़दल मन तज़क का अल्लाह ने कहा तहकीक वो शख्स कामयाब हो गया वो मर्द वो मुसलमान मर्द व मुसलमान औरत जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर ली गुनाहों से शर की आलूगियों से बुरे अखलाक से जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब इंसान और पाक कौन कर सकता तस्किया कौन जो अपने नफ्स का मुहासबा करे जाँचें अपना हिसाब लें मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़बान से क्या कलिमात अदा हो रहे हैं मेरे आजा जवारे से क्या अमाल मैं अंजाम दे रहा हूँ मेरी तनहाई कैसे गुजर रही है मेरी जल्वत मेरी खलबत मुकम्मल ज़िंदगी का हम जायज़ा लें ये कामयाब अक्लमंद मोमिन की यही नशानी देखिए एक कामयाब बिजनस मैन एक कामयाब ताजर की निशानी होती है कि अपने कारोबार का हर नाहिए से हिसाब लेता है एक समझदार अपने माल का हिसाब करता है कि वो अपने वक्त का हिसाब लेता है उसने क्या कुछ कमाया क्या कुछ खोया कितना नुकसान हुआ आखिर नुकसान हुआ तो क्यों हुआ उसके क्या वजूहत हैं उसका तदारुक हम कैसे कर सकते हैं आगे कामयाबी की क्या तरक्की के क्या राज हैं और क्या कदम हम उठाएंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगे हालात के हिसाब आज देखिए कितनी कसात बाजारी हैं बेरोज़गारी हैं आज के दिनों में कितने लोग अच्छे अच्छे बिजनेसमैन मैन परेशान हैं परेशान हैं लेकिन ऐसा ताजिर जो अच्छे हालात में भी अगर हिसाब ना लें तो इन हालात में वो कैसे अपना मुहासभा करके जो है ना करके या करके कामयाब नहीं हो सकता बहुत परेशानी का सामना उसको करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे अच्छे ताजिर आज के हालात में हिसाब करके सब कुछ आगे पीछे अपने कारोबार का जायज़ा लेके भी परेशान पैसे रख कर परेशान मौका नहीं सामान रख कर परेशान है बेचने के लिए मौका नहीं या ख़रीदने वाला तैयार नहीं बहुत सारे मसाइल सब जानते हैं मैं इशारा कर रहा हूँ तो एक कामयाब ताजिर जैसे अपने आ, कारोबार का हिसाब करता है जांचता है हर तरीक़े से उसको आ, आगे पीछे सोच कर जो है तरक्की को की करने की कोशिश करता इसी तरह एक बंदे मोमिन को अकल मंदी के साथ अल्लाह से जुड़ कर दीनी तल्ली को हासिल करके सही लोगों से जुड़ कर जो है इबरत हासिल करना चाहिए तजुबा हासिल करना चाहिए और हर आने वाले दिन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इनकब लाने की कोशिश करना चाहिए इस दुनिया में पढ़ कर हम गाफिलना हों इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है आखिरत की तैयारी के लिए तो मुहासबा करना चाहिए मुहासबा करने के कई फ़ायदे सरे अम्बिया की इब्तदाई आयत में हम और आप की जो हालत है आज उसका नक्शा अल्लाह ने बेहतरीन तरीक़े से हर दौर का जो लोग भी गफलत के शिकार हैं आखिरत से गाफिल हैं दुनिया के माल और दौलत के पीछे पड़े हैं मादा परस्ती जिन पर गालिब आ चुकी हैं अल्लाह तला ने उनकी सूरत हाल बताई अख्तरा बल्ला से हिसाब हम बहुम फी गफलत मिदोन अल्लाह अकबर अल्लाह ने कहा लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो हैं कि गफलत में पड़े हैं हिसाब का वक्त करीब आया है अल्लाह अकबर हम में से कितने लोग गाफिल हैं मौत की कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं मौत कभी भी आ सकती है किसी भी लम्हा किसी भी हालत में दिन हो रात हो बचपन जवानी बुढ़ापा अक्सर ये समझते हैं कि लंबी उम्र मिलेगी बुढ़ापे में देखेंगे करेंगे सोचेंगे बुढ़ापा सबको मिलने वाला नहीं अक्सर अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे उम्मतियों में अक्सर जो है साठ सत्तर साल के दरमियान वो ज़िंदगी गुजारें और उससे पहले जवानी में कितने लोग आज मर रहे हैं आज अक्सर मरने वाले कौन हैं जवान अट्ठे कट्टे लोग हैं बीमार भी नहीं बीमार तो बीमार हैं जा रहे हैं बीमारी में लेकिन अच्छे अट्ठे कट्टे सेहतमंद लोग भी जा रहे हैं दुनिया से तो ये दुनिया हमें ये पैगाम देती है ज़िंदगी आज के हालात कि हम हमेशा मतनब रहें अलर्ट रहें और आखिरत की फिक्र करें अपना मुहासबा करें उसके लिए पूरी कोशिश करें उमर बिन ख़ाबरदी अल्लाह तुम अक्सर कहा करते थे हाँ सबु अनफु सकुमान तो हाँ सबु वज़िन मिनलामली कबलान तो वज़न कहते हैं लोगोंबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए तुम अपना हिसाब कर लो कबल इसके कि तुम्हारे आमाल मीज़ान में तोले जाएँ तुम उसको उस देखो कि वह अमाल ऐसे हैं वाकई कि उसको वज़न किया जाएगा उसका वज़न है नहीं वो काबिल क़बूल है नहीं वो शरीयत के दायरे में किताब व सुनत के मुताबिक हम कर रहे नहीं कर रहे उसका तुम हिसाब कर लो उसका तुम वज़न कर लो कितनी बेहतरीन बात आपने बताई अल्लाह ताला तो हिसाब लेने वाला है अल्लाह हम पैदा होने से पहले अल्लाह को सब कुछ अल्लाह को मालूम है अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया है हम कामयाब हैं या नहीं हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं सब चीज़ें अल्लाह के पास तो तय हैं दुनिया की हद तक अल्लाह ने हमें भेजा है हम अल्लाह से जुड़ेंगे और सही तालीमत हासिल करेंगे अपना मुहासबा करेंगे इन अल्लाह ताला हमें जो है सही तौफीक देंगे ताकि हम बेहतर से बेहतर करें बेहतर ज़िंदगी गुजार कर रब की खुशनुदी उसका तकरुब हासिल करके दुनिया की मुसीबतों से परेशानियों से नजात हमें अल्लाह करेंगे ख़बर में बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह तरें आखिरत में ऊँचा मकाम अल्लाह तला अता करेंगे और आखिरत में जो कठिन मराहल हैं उसमें आसानी अल्लाह तला कामयाबी अता करेंगे अगर हमने अपना मुहासभा नहीं किया मकसद ज़िंदगी को नहीं पहचाना और सही मानों में अपनी अपने आमाल अपनी इबादतें और जो भी हम कर रहे हैं उसका जायज़ा अगर हमने नहीं लिया तो फिर सबसे बड़ा खसारा सबसे बड़ा नुक़सान उठाने वाले हम ही होंगे इस तरह सलफ़ के बहुत सारे वाकयात तो हैं बहुत सारे अखबाल हैं मेरा वक्त महदूद है इसलिए तो आइए असल जो मौजू के जो अहम पॉइंट्स हैं उसका जिक्र करते मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ देखिए मुहासबा करने के कई फ़ायदे हैं समरात हैं मुहासबा करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बंदा जो बंदी अपना मुहासबा करती है अपना जायज़ा लेते हैं एहतसा नफ़्स इस अमल को अंजाम देते हैं तो इंसान को अपने छुपे हुए आयत नज़र आते हैं बाज़ लोग समझते हैं अगर किसी ने हमारा बता दिया हमारा नफ्स तो उसने हमारी तोहन कर दी नहीं अक्लमन उसको समझता है कि मेरी असलाह होगी कोई मुझे बताता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मेरे मेरी असलाह चाहे उसका मकसद कुछ भी हो उसका मकसद कुछ भी हो अच्छा हो या बुरा हो लेकिन हम देखें मेरे जिस्म पर गंदगी लगी है कपड़े पर हम देखें उसको साफ़ करें अगर वो गंदगी मेरे अंदर मौजूद है उसको साफ़ कर दिए मेरा फ़ायदा इसी तरह कोई नक्स कोई आय कोई दूसरा भी बताता उसका शुक्रिया अदा करें चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो क़रीबी हो अजनबी हों वाकई वो चीज़ हमारे अंदर है उसको असलाह करें तो एक अक्लमंद मोमिन बंद मोमिन की अलामत होती है अगर वो मुहासभा करता है उसके अयूब पर वो मुतले होता है और उसके लिए आसानी होती है अपनी असलाह कर लेता है मुझसे कुछ गुनाह हो गए मैंने अपना हिसाब लिया वाकई मैंने बहुत सारे गुनाह किए मैं तबा करूँगा अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा बंदों के हकूक़ को अगर मैंने छीना बंदों के हकूक़ को अदा नहीं किया अगर मैंने हिसाब कर लिया मुझे मालूम हो गया फ़लाँ को मैंने ऐसा कह दिया फ़लाँ उसके साथ मैंने ऐसा मामला कर दिया मैं माफ़ी मांगूंगा ये चीज़ मुझे माफ़ी मांगने पर और अपनी असलाह करने पर जो है उभारेगी तो सबसे बड़ा फ़ायदा है महासभा नफ्स का इसी तरह जो बंदा जो बंदी जो है अपना मुहासभा करते हैं महासभा करना इस बात की दलील है कि यक़ीन ये बंदा जो है सही मानों में अपने रब से डरने वाला अपने रफ्स का खौफ़ खाने वाला है और आखिरत की वो तैयारी अपने रब से मुलाकात के लिए वो तैयारी कर रहा है गोयम मुझे मालूम है कि मुझे मरना है आज नहीं कल मुझे मौत आने वाली है मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को किस मकसद के लिए रब जुल जलाल ने मुझे पैदा किया इतना हँसी मौका दिया और बहुत सारे मौक़े अल्लाह ने नेता किए मुझे सेहत अल्लाह ने नेता की मालो दौलत अल्लाह ने नेता किया इल्म बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह ने हर बंदे को अता की हैं उसका सही इस्तेमाल करके रब का शुक्र अदा करे बंदा रब से जुड़ जाए अपना हिसाब करे अपनी इस्लाह करें तो इस बात की दलील है कि यकीन अल्लाह से डरने वाला है और आख़िरत में सही उसकी तैयारी करने वाला रब से मुलाकात के लिए वो तैयारी कर रहा है जो बिल्कुल गाफिल है मुहासबा नहीं करता तो बिल्कुल गाफिल है ना उसको अल्लाह पर यकीन है ना आखिरत की ज़िंदगी पर उसको यकीन है इसी तरह जो बंदा या बंदी मुहासभा अपना करते हैं ये इस बात की दलील है और उसके लिए हकीक़त वाज होती हैं कि हकीकत में नुकसान क्या हैं और फ़ायदा क्या है जो अपना जायज़ा जैसे मैंने ताजिर की मिसाल दी जो ताजिर एक अच्छा बिजनेसमैन अब ताजिर जो है अपना हिसाब करता है उसको फ़र्क़ मालूम होता है कि कहाँ नफा होने वाला है कहाँ नुकसान होने वाला है इसी तरह एक बंदे मोमिन अपना मुहासबा करता अपना जायज़ा लेता है तो उसको समझ में आता है कि कहाँ मैं ग़लती कर रहा हूँ कहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ इसी तरह महासभा करने का एक अहम फ़ायदा ये है कि जो बंदा इस दुनिया ही में अपना मुहासभा कर लें आखिरत में सुकून राहत उसको नसीब होगी यहीं उसने मुहासभा कर लिया अपनी असलाह कर ली आखिरत में उसका किताब उसका हिसाब आसान हो जाएगा अगर उसने यहाँ हिसाब नहीं किया बहुत सारे गुनाह करके भूल गया तोबा की तोफ़ी नहीं कैसे मिलेगी उसको पता ही नहीं कि मैंने इतने गुनाह कर दिए इतनी सुस्ती की अल्लाह के हकूक़ में किया बंदों के हकूक़ में किया वालदेन के हकूक़ के सिलसिले में बीवी बच्चों के सिलसिले में रिश्तेदारों के बेशुमार जो हकूक़ अल्लाह ने बताए हैं अगर वह अपना जायज़ा ना लें हिसाब ना करें अपनी असलाह ना करें आखिरत में आने वाला हर लम्हा परेशान कन होगा कहाँ से हिसाब देगा कहाँ से अल्लाह आपके सामने जो है कामयाब हो सकता है क़ियामत के दिन नुकसान उठाएगा अगर मुहासबा नहीं करेगा जो मुहासबा करता है उसको राहत मिलेगी सुकून इत्मीनान की सांस खोलेगा इन शाला इसी तरह देखिए मुहासबा करने से अल्लाह ताला ने मुहासबा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया तो हुक्म की बजावरी एक बंदे मोमिन जो है मुहासबा करके करता है अल्लाह के हुक्म को मानता है उसको तस्लीम करता है गोया जो मुहासबा नहीं करता वो अल्लाह का नाफ़रमान है अल्लाह के जो हैं हुम की खिलाफ वर्दी करने वाला शुमार होगा इसी तरह मुहासबा करने से इंसान की ज़िंदगी में जो सुस्ती, जो गफलत आई है वो गफलत दूर होगी उस गफलत को इंसान छोड़ देगा इसी तरह गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा महासबा करेगा तभी समझ में आएगा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ इसी तरह महासभा करने से जो हैं फ़रज़ और नवाफिल में जो कुछ नक्स हमारे अंदर लाजमी तौर से आज देखें हमारी ज़िंदगी में कितनी सुस्ती है काहली हैं फराइज को सुन नवाफिल तो दूर की बात फराइज की अदायगी में हम कोताही करें अल्लाह अकबर अल्लाह का फजलकरम ही था कि अल्लाह ने फ़राइज़ के साथ साथ सुन नवाफिल को क्यों अल्ला ने मुकर किया इसी नक्स की वजह से कि हम फरज़ भी सही मानों में अदा नहीं कर पाए मू सल सामा रहम फरमाएं जिन्होंने सही मशवरा अल्लाह के नबी सासिन को बर वक्त दिया वरना पचास वक्त की नमाज़ें अगर फ़र्द होती क्या हालत होती हमारी पाँच वक्त की नमाज सही मानों में हमसे अदा नहीं हो पा रही और दीगर जो वाजिबात हैं तो देखिए बहरहाल महासभा करने से जो है बंदे को जो है मदद मिलती है वो फराइज को सही मानों में अदा कर सकता है अगर फ़राइज में सुस्ती हो जाए कोताही हो जाए तो उस नक्स को जो है पूरा कर सकता है इसी तरह जो बंदा या बंदी महासभा करते हैं अपनी ज़िंदगी में उनको अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की रजामंदी अल्लाह की खुरबत नसीब होती है वो अल्लाह के फरमा बरदार होंगे अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म को बजा रहा है बजा ला रहे हैं उस हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो अल्लाह ताला की मोहब्बत उसकी रज़ामंदी जो है ऐसे बंदों को नसीब होगी इसी तरह मुहासबा करने का एक अदीम फ़ायदा ये है कि बंदा मुहासबा करने से अल्लाह ताला को सही मानों में पहचान सकता है अल्लाह की मारिफत उसको हासिल होगी अल्लाह का क्या हक़ है अल्लाह की इबादत का उसको अंदाज़ा होगा और सही मानों में रब की बंदगी और उसके हकूक़ का अदा करके जो है बंदा कामयाब हो सकता है इसी तरह एक अहम फ़ायदा अहिल ने जिक्र किया है महासभा करने से इंसान के नफ़्स की इस्लाह होती इंसान का दिल साफ होता है इंसान का दिल पाक होता है ग़लत अक़ायद अगर उसकी ज़िंदगी में है बदात हैं खुराफ़ात उसकी ज़िंदगी में आ गए कबायर, सगायर और बेशुमार जो गुनाह नाफरमानी के काम हैं दिल उनमें बैठ गए हैं गलत बातें गलत अखीदे की बातें इसला करें इंसान मुहासबा करें अपने एहतसाब नफ़्स करें तो इंसान का दिल पाक होगा साफ़ होगा उसका तस्की नफ्स होगा और जिसकी खुशखबरी मैंने शुरू में सुनाई अल्लाह ताला ने इसी तरह सूर शम्स में भी देखी अल्लाह ताली ने इस बा उमा सहाँ ख़ुद अफला मनजक् हाँ व ख़द ख़्वाब अमदस्सा हाँ वाह अल्लाह ताली ने यहाँ भी शुर शम्स में जो है अल्लाह ने महासबे पर उभारा तस्किया नफ्स पर अल्लाह ने उभारा और कहा कामयाब हो गया वो शख़्स जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया गलत अक़ायद शर्किया कुफ्रियाम और इसी तरह बुरे अख़लाक और जो भी गुना के काम हैं उसे अपना नफ़्स का तस्किया इंसान कर ले तो जहाँ ये उसका तस्किया होगा वहीं उसका दिल जो है पाक व साफ होगा इसी तरह जो बंदा जो बंदी इस्तेमरारी शक्ल में जो है बराबर अपना मुहासबा करते हैं तो इससे जो है उनको सरात मुस्तकीम पर चलना नसीब होगा अल्लाह ताला सीधे रास्ता उनको दिखाएगा सही रास्ते पे वो चलेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे अगर इंसान मुहासबा ना करें तो सरात मुस्तकीम का पाना बहुत ही उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसका नफ्स का तस्किया नहीं हो सकता असलाह उसकी नहीं हो सकती और उसके अंदर नक्स रहेगा और ख़ल रहेगा बाकायदा अगर हिसाब इंसान लेता है तो इन अल्लाह से उम्मीद है कि इंसान जो है सरारत मस्तिम पर आए गुनाहों को छोड़ सकता है इन श्ला इसी तरह एक अजीम फ़ायदा जो अहिल ने ज़िक्र किया है महासभा एहत नफ्स का कि हिसाब करने से मुहासबा अपना करने से इंसान के लिए तोबा करना आसान हो जाता है इसतवार करना आसान हो जाता है अल्लाह ताली ऐसे बंदे को जो है अल्लाह के हकूक़ में जो भी उसने कोताही की तोबा की अल्लाह उसको तोफीक देते हैं इसी तरह मैंने इशारा किया कि बंदों के जो मुख्तलिफ हकूक़ हैं उसमें जो भी नक्स लाजिम हैं इंसान जब अपना मुहासबा करता अपना जायज़ा लेता है तो अल्लाह ताला इस बात की उसको तौफीक देते हैं कि बंदा जो है अपना मुहासबा करेगा इतनी असलाह करेगा लोगों से माफ़ी मांगेगा उनके हकूक़ जो है अदा कर सकता है तो छन ये जो अहम फ़ायदे थे जिसका ने जिक्र किया है तो मैंने आपके सामने जो है उसका ज़िक्र करना मैंने मुनासिब समझा इसी तरह देखिए अगर कोई बंदा अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता तो बहुत सारे ख़राबियाँ उसकी ज़िंदगी में आते हैं। बहुत बड़ा नुकसान उसको हो सकता है मुहासबा ना करने से उसके फ़ुकदान की बहुत सारे इसबाब हैं अगर इंसान उसको इख्तियार करें मुहासबा ना करें या उन उनबा को अख्तियार करें तो मुहासबे में या तो बिल्कुल मुहासभा करने से उसके लिए माने होंगी वो चीज़ें रुकावट बनेंगी या कम से कम मुहासब नफ़्स में जो है नफ्स लाजिम आएगा कमी वाकई होगी सबसे पहली चीज़ देखिए गुनाह अगर इंसान नफ्स का मुहासबा ना करें बड़े बड़े गुनाहों का इरतक कर जाए चाहे कबीरा हो चाहे सगीरा छोटे गुनाह हो बड़े गुनाह हती कि बिदात व खराफात कबीरा गुनाहों से बड़े बिदात में भी पड़ सकता है शर्किया आमाल कुफरी आमाल आज के माहौल में हम देखें अपनी माशरे सोसाइटी अपने दोस्तों अहबाब और जो लोग हिदायत से दूर हैं तोहद से दूर हैं तोहद के नाम पर लोग शिर कर रहे हैं समझ रहे हैं मैं सच्चा मुसलमान मैं पक्का मुसलमान सुन्नत के नाम पर आज बिदाद खराफात किए जा रहे हैं गुनाह को गुनाह लोग शुमार नहीं कर गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे मारूफ को मारूफ समझना और मुनकर को मुनकर समझने का मादा तो ख़त्म हो गया अल्लाह के गुनाह करने वाले की तारीफ़ की जा रही अच्छे काम करने वालों की तहकीर की जा रही और मुख्तलिफ़ किस्म के उनको ताने दिए जाते हैं नौ उज़बिल्ल हिमदारी सन्नतों पर अमल करने वालों का मजाक लोग उड़ा रहे हैं आज ऐसा माहौल अगर कोई मुहासबा नहीं करता है तो बहुत सारे गुनाहों जो पड़ जाएगा कबीरा सगीरा ग और ये जो है और हर हती के इस तरह गुना करेगा इंसान कि उसके दिल पर जो है ज़ंग पड़ जाएगी सुर मतफ़ी में अल्ला ने कल ला बलरानला क्लोबिन अल्लाह ने कहा कल्ला बलरानला क्लोबिन हरगेज़ नहीं बल्कि मामला ऐसा है अल्लाह ने कहा उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है शर का कुफ्र का बिदात खराफात का गुनाहों का दिल सियाह हो गया है गुनाह करते करते इंसान जो है उसका दिल सियाह हो जाता अल्लाह के नबी सास ने कहा कि एक ऐसा हिस्सा है गुनाह करता इंसान दिल के तरफ इशारा करके अल्लाह के नबी सास में उदाहत फरमाई कि अगर गुनाह करता है तो नुता तन तो उसके दिल पर एक सफ़े एक सियाह जो है धब्बा बैठ जाता है फिर गुनाह पर गुनाह करें तोबा ना करें इसलाना करें मुहासबा ना करें दिल सियाह होते होते पूरा दिल जो है उसका सियाह हो जाता है फिर ऐसा हो जाती है दिल की कैफियत ऐसी हो जाती है कि ना सिर्फ जब उस हालत में बंदा ना मारूफ को मारूफ़ समझता है भलाई को भलाई नहीं समझता बुराई को बुराई नहीं समझता अंजाम देता है गुनाहों में मुलविस हो जाता है सबसे बड़ा नुकसान है अगर इंसान अपना मुहासवा ना करें इसी तरह इंसान अपना मुहासवा ना करें तो देखिए मुख्तलिफ़ के जो मुबाकाम हैं ऐसे काम जिसके करने और ना करने की अल्लाह ने इजाज़त तो दी है लेकिन मुहासबा ना करने की वजह से बंदा जो है मुबा काम करने में उस दायरे को जो है वसी कर देता है अपने लिए जो है कुशादा कर लेता है और मुबाहत में इस तरह पड़ जाता है कि फ़राज़ वाजिबात छोड़ देता है फ़राज़ वाजिबात भी छोड़ देता है दुनिया के माल वबाब दुनिया की मोहब्बत दुनिया, दुनिया के इसबाब दुनिया के मालो मथा में इंसान मुबाह हैं बल्कि जो है करता है इतना वसअत के साथ इतनी कुशादा दिली के साथ कि बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह में मुबला हो जा गुनाहों में भी मुबतला हो जाएगा दुनिया के पीछे इंसान पड़े अल्लाह ताला ने हमेशा इस बात पर हमें उभारा है आखिरत की फ़िक्र करें दुनिया से दिल ना लगाएं दुनिया के लिए कमाएं जिये और जो वाला तन सा नसीबा का मिना दुनिया अल्लाह ने कहा दुनिया को मत भूलो लेकिन दुनिया में इस तरह मगन हो जाएँ आखिरत को भुला दें दुनिया में आने के मकसद को भुला दें और मुबात में और तहसनियात जिसको कहा गया एक है देखिए बुनी ज़रूरियात दूसरा है हाजियात ज़रूरियात ऐसी चीज़ें जिसका इख्तियार करना ज़रूरी अमल करना ज़रूरी उसके बगैर ज़िंदगी नाम गुजारना मुश्किल है नामुमकिन है दूसरे हैं हाजियात जिसमें थोड़ी कमी भी हो थोड़ा नक्स हो तो चलेगा थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन ज़िंदगी चलेगी लेकिन ज़रूरियात का पाया जाना ज़रूरी है उसको अपनाना ज़रूरी है लेकिन तीसरी चीज़ जो है तहसनियात जिसमें आज की मुबाह और दुनिया की रंगीनियाँ दुनिया के असबाब हैं और ऐसी चीज़ों में इंसान जो है अपने माल को ख़र्च करे सर्व करें जो उसको दुनिया में जो है लगा दें एक घर है दूसरे घर की फ़िक्र में घर में बहुत सारे अच्छे चीज़ें हैं अल्लाह ने दी फिर उसको और उसको सजाने की कोशिश करें इसराफ़ में इंसान पड़ जाता इसराफ़ में फजूल ख़र्चे में जिससे अल्लाह ने मना किया इसराफ़ करने वालों को अल्लाह ने शैतान का भाई करार दिया तो मुबाहत में अगर इंसान अपने दायरे को वसी करता जाए तो फिर वो दुनिया में लग जाता है और आखिरत को जो है नज़रअंदाज करते हुए आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो जाता है इसी तरह महासभा ना करने का एक नुकसान ये होता है कि अल्लाह की जो अजमत है उसका जो एहसास इंसान के अंदर ख़त्म हो जाता है अल्लाह की अजमत उसका मकाम अल्लाह ताली का जो मक़ाम होना चाहे हमारे दिलों में अल्लाह पर ईमान अल्लाह का डर और ख़ौफ़ अल्लाह की अजमत अगर हमेशा ये एहसास हमारे अंदर जागता रहे तो इन श्ला हम, हम कामयाब हों सही काम करें जब यह एहसास कम हो जाए या बिल्कुल ना हो इंसान गुनाह करता हम गुनाह क्यों करते हैं तन्हाई में ख़ास तौर से कि कोई नहीं देख रहा है हम आज़ाद हैं ना उज़बा दुनिया तो नहीं देख रही रिश्तेदार दोस्त अहबाब तो नहीं देख रहे हैं लेकिन ज़ात जिसने हमें पैदा किया हमेशा देख रहे हैं तरबियत के बाब में देखिए ने खास तो बच्चों की तरबियत बचपन से कैसे होनी चाहिए खुद हमारी भी हम मोहताज हैं हम अपनी खुद तरबियत करें हम ये ना समझें कि हम बड़े मुरबी बन गए हम फलाँ बन गए हम दाई बन गए हम आलिम बन गए हम फला, फला ज़िम्मेदार निगरान नहीं मरने तक अपनी इसलावी करना अपना मुहासभा जिसे मैंने कहा रोज़ाना रोज़ाना सुबह शाम अपना हिसाब हम करें अपना महासभा करें तभी हम कामयाब हो सकते हैं तो जो तरबियत का जो अहम नुकता जो बता रहा था कि बच्चों की तरबियत इस नाही से करें कि बेटा याद रखो अल्लाह हमेशा देख रहे हैं अल्लाह ताला हमेशा हमें देख हैं कहीं भी हम रहें कहीं भी हम रहें अल्लाह ताला हमेशा हमें देख रहे हैं अल्लाह ताला हमारी अल्� बातों को सुन रहे हैं अल्लाह ताली हमारे हरकत हमारे जो भी हम कर रहे हैं उसको अल्लाह बराबर नोट कर रहे हैं अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं अल्लाह ताली पूरी दुनिया जो भी कर रहे हैं सब कुछ अल्लाह को मालूम बल्कि हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह को मालूम कि हम क्या करने वाले थे अल्लाह क़ियामत तक क्या होगा सब अल्लाह को मालूम कौन कितना नेक है कौन कितना बदबकत है, कौन क्या कर रहा है अच्छे काम कौन कर रहा है तो देखिए मुहासबा ना करने की वजह से इंसान की हालत क्या हो जाती है अल्लाह की अज़मत उसके दिलों से निकल जाती है जब अल्लाह का डर निकल गया तो क्या रहेगा यही है कि हम गुना पे गुना करते जाएंगे और मामले को हल्का लेंगे देखें कोई नहीं देख रहा है अल्लाह अकबर इसी तरह महासभा ना करने का एक अदीम नुकसान ये होगा कि इंसान का नफ्स का तस्किया नहीं होगा इंसान का दिल में जो गंदगी है गलाजत है शर की कुफर की निफा की कबीरा सगीरा बिदात ख़राफ़ात उससे दिल पाक नहीं हो सकता जब दिल पाक नहीं होगा तो क्या होगा कि इंसान जो है गुना पे गुना करता जाएगा और खसारा होगा नुकसान होगा उसका इसी तरह देखिए यहाँ पे एक नुकसान इस नाही से नुकसान भी है कि अगर हमेशा इंसान ये अपना तस्किया करें और अपने बारे में अच्छा गुमान रखे हमेशा ये समझे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ मैं परफेक्ट हूँ सो में सो मैं हर मैदान में कामयाब ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा खसारा ये समझना कि मैं अल्लाह तज़क्को अनफु सकुम सुर नजम अल्लाह ने कहा तुम अपने नफ्स का तस्किया मत करो भले अल्लाह जज़क्की मई यशा अल्लाह तला जिसको चाहें जिसका चाहें अल्लाह तस्करा तस्किया फरमाते अल्लाह के नबी सासन ने भी कभी अपना तस्किया नहीं किया सबसे पाक दिल अल्लाह अकबर तमाम लोगों में तमाम अम्बिया में पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी का दिल सबसे पाक था फिर भी अल्लाह के नबी ने कभी अपना तस्किया नहीं किया अना सईद उल्द आदमियमल़िया वाला फ़ख्र कहाँ कि मैं कल क़ियामत के दिन अम्बिया का तमाम बनो आदम का सरदार रहूँगा लेकिन फ़्र नहीं इस बात पर मुझे फ़ख्र नहीं और कभी भी अपना अल्लाह के नबी ने अपनी तारीफ़ नहीं की जहाँ अल्लाह ने हुम दिया वहाँ आप सासम ने अपना जो मक़ाम अल्लाह ने दिया था उस बात का जिक्र किया लेकिन हमेशा तोज़ो खाक सारी अल्लाह के नबी सा आसमी ज़िंदगी में थी और कभी जो बंदा अपने साथन ज़ंद का मामला हमेशा रखें यहाँ ये हुक्म दिया गया कि हम दूसरों के बारे में हुसन जन रखें दूसरों के साथ तो अच्छा गुमान रखें लेकिन हमेशा अपना अपना तस्किया करते जाएं, अब ख़ुद अपनी तारीफ झूठी तारीफ़ करें और अपने बारे में ये हुसन दन कि मैं तो अच्छा हूँ मैं तो पाक हूँ दूध का धुला हूँ नक्श है तो सिर्फ फलाह में है फ़लाह में है मेरे मुखालिफ में हैं मेरे साथ रहने वालों में ऐसा बंदा कभी भी जो है काम नहीं हो सकता अपनी असलाह नहीं कर सकता तरक्की नहीं कर सकता इसी तरह देखिए आखिरत के फिक जो मराहल हैं सख्तियाँ हैं आखिरत का जो तसुर जो कुरान ने दिया है अल्लाह मेरे पास उतना वक्त नहीं वरना मैं वो तमाम नसूस या चंद नसूस आपके सामने पढ़ के सुना था हज की इब्तदाई आयतें पढ़ लें सुर मुजम्मिल जिसमें अल्लाह ने कहा कि बच्चा बूढ़ा कर दिया जाएगा पुल सिरात का मामला कितना अल्लाह अकबर नाजुक मसला है कितना डरोनी मसला है खबर का अजाब कितना सख्त है ये तमाम चीज़ें अगर दुनिया में पढ़ कर दुनिया के अस्बाब में गफ, गफलत का शिकार होकर मादा परस्ती का शिकार होकर इंसान आखिरत के उस तस्वर को भुला दें अल्लाह अकबर जो हमारा नसबुल है तो फिर ऐसा बंदा जो है कामयाब नहीं हो सकता इसी तरह देखिए अगर मुहासबा ना हो इंसान अपना मुहासबा ना करें तो फिर जो है उसकी ज़िंदगी में बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं चंद बातें बता कर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा तो देखिए अगर इंसान अपना नफ्स का मुहासबा ना करें जैसे मैंने कहा गुनाहों में गुनाहों का इर्तिकाब उसके लिए आसान हो जाता है फराइज में कोताही सुस्ती उसके लिए आसान हो जाती है तोबा करना माफ़ी मांगना इस्तिगफार करना और इसी तरह बंदों के हकूक़ जिसमें कोताही की उसका अदा करना मुश्किल हो जाता है इसी तरह बंदा जब मुहासबा नहीं करता है तो एक असर ये मुरतब होता है कि गुनाहों को तर्क करना मुश्किल हो जाता है गुनाहों को छोड़ना मुश्किल आज कितने लोग हैं बीडी सिगरेट पीते हैं नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल रमज़ान में भी उनको कंट्रोल नहीं होता अल्लाह अकबर रमज़ान में रोज़ा रख कर भी कंट्रोल नहीं होता शहरी में कर लेते हैं या इफ्तार के फौरन बाद पीते हैं नौजबिल्ल मुश्किल है उनके लिए हालाँकि आसान है अगर मुहासभाबा करें आखिरत के अजाब को याद रखें आखिरत की फ़िक्र करें अल्लाह की अजमत को अपने दिल में जगह दें तो इंसान आराम से उसको छोड़ सकता है कोई काम मुश्किल नहीं दुनिया में निकी करना भी गरजे कि कुछ परेशानी मशक्क़त है छोड़ने में भी मशक्क़त है लेकिन इंसान जब मुहासबा करता है उस उन अदाबाद को अपने सामने सहाबा हमेशा जन्नत जहन्नम उस तसूर को अपने सामने रखते थे अल्लाह पर तो हम और आपके लिए इसी तरह देखिए एक एक गलत असर जो मुरतब होता है वो ये है कि इताद के काम करना फर्माबर्दारी के काम करना मुश्किल हो जाता है अच्छे काम करना इंसान दिल नहीं लगता उसका आज कितने लोग हैं जो अपने बारे में खुद हम हमारे अंदर कभी सुस्ती काहली इतनी कि अच्छा काम करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों क्योंकि हम मुहासबा नहीं करते अपना जायज़ा नहीं लेते अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको हम अपने सामने नहीं रखते जिसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान होते हैं तो आइए कैसे मुहासबा करना हमारे लिए आसान वो क्या अमूर हैं वो क्या इसबाब हैं जिसको इख्तियार करके हम और आपके लिए जो है मुहासबा करना आसान हो सकता है तो देखिए सबसे पहले दुनिया आखिरत की सदत हमें कैसे हासिल हो सकती है उसको हासिल करने की कोशिश करें उसको समझने की कोशिश करें अल्लाह की मोहब्बत हमें कैसे मिल सकती है हम अल्लाह से कैसे करीब हो सकते हैं हमेशा इस एहसास को अपने अंदर जगाएं तो इन श्ला मुहासभा करना हमारे लिए ये बहुत तफसी बातें हैं एक, एक चीज़ पर जो है कई मिनट उसके लिए चाहे वजाहत के लिए मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ इसी तरह एक अहम चीज़ ये है कि इंसान हमेशा अपने ऐप पर नज़र रखे मेरे से क्या गुनाह हो रहा है मुझसे क्या गलती हो रही है मेरे अंदर क्या नक्स हैं इस मान में नहीं कि हम एहसास कम दरी के शिकार हो जाएं और ना ही एहसास बरतरी में चले जाएँ जैसे मैंने इससे पहले कहा कहानद ना हो अपने साथ ज़्यादा एहसास कम दरी में ये मैंने ये बात नहीं बता रहा हूँ कि हम एहसास कम दरी में चले जाकर अपनी तहकीक करें जैसे बाज़ लोग बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा नहीं अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है हमें लेकिन ऐसा ना हो कि हम जो है जन पर आ जाएं अपना तस्किया करने बैठ जाएं या ऐसा भी ना हो कि एहसास कम तरी में होकर पीछे हो जाएं ऐसा भी नहीं होना चाहिए बताने का मकसद ये है कि जब इंसान अपने आय पर मुतले होता है उसकी खबर रखता है, अपनी असलाह कर सकता है अपनी असलाह कर सकता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है अपने अखलाक को अपने किरदार को इसी तरह नीयत में जो है अखलास होना चाहिए कोई भी काम हम करते हैं कोई भी अमल हम करना चाहते हैं नीयत अगर ख़ालस हैं अल्लाह के लिए ऐसे काम करें जो सिर्फ अल्लाह जानता हो हमारे और अल्लाह के दरमियान कुछ ऐसे काम हों तो ऐसे इखलास नीयत की वजह से जो है अल्लाह ताला ऐसे बंदों को महासवे नफ्स की जो है तोफ़ी अल्लाह ताला तरमाते हैं और वो बंदे रिया कारी दिखावे से शहरत पसंदी हब्बु जहूर से जो है दूर हो जाते हैं इसी तरह इंसान किस मकसद के लिए मुसलमान को अल्लाह ने पैदा किया हमारा आप को किस मकसद के उस हदफ़ उस टारगेट को हमेशा सामने रखें हमेशा किस मकसद के लिए दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना यह आजमाइश की जगह है यहाँ से जितना लेना है हासिल करना उस उतना ही फ़िक्र करें आखिरत की फ़िक्र हम करें तो इन हमारे लिए मामला आसान होगा इसी तरह खाने पीने में पहनने ओढ़ने में निकाह है और दीगर जो भी चीज़ें करना है उतना ही करें जितना करना है बस असल मकसद क्या है अल्लाह की बंदगी है हकूक़ की अदायगी है खालिक की इबादत बंदों की खिदमत खिदमत कल्क़ ये जज्बा हमारे सामने रहें हमेशा ये जज्बा हमारे अंदर जागता रहें और इसके लिए पूरी कोशिश करें इन शाला इसी तरह इत के कामों में जितनी हो सकता जितनी मेहनत हम कर सकते हैं करें कोशिश करें देखिए दिन भर जो है गर्मी को बर्दाश्त करके जो लोग मुसलसल रोज़े रखते हैं फ़र्ज रोज़ों के अलावा नफली रोज़े इसी तरह रातों में जाग कर जो अल्लाह के बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं कुरान की तिलावत करते हैं दिन और रात और कुछ अल्लाह के नेक बंदे जिनको अल्लाह ने मालो दौलत अता किया दिन और रात अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं क्यों कर रहे हैं आखिरत की फ़िक्र के लिए अपनी इस्लाह के लिए अपने तस्कीय के लिए हकीक ईमान की लज्जत को हासिल करने के लिए कामयाबी के लिए तो ये कोई मामूली बात नहीं तो हम भी कोशिश करें इतिहात के कामों में आगे बढ़ें अपने आप को आगे ले जाएं गुनाहों से बचें यह अहम बात है गुनाहों से अपने आप को बचाएं छोटे हों गुनाह हों अपना बार बार मुहासबा करें जितना हो सकता है गुनाहों से बचें अगर हो गए कभी गुनाह फौरन तौबा करें माफ़ी मांगें बंदों के हकूक़ अदा करें इसी तरह जाहिदाना ज़िंदगी गुजारें जोह जिसको कहते हैं दुनिया में जितनी ज़रूरत है उतना ही लें और आखिरत की फ़िक्र करें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है आखिरत में जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ दें आखिरत में जिसकी ज़रूरत है उसको लें ये जाहिदाना ज़िंदगी अगर हम गुजारते हैं तो इन श्ला लोग भी हमसे खुश रहेंगे अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत करेगा मोहब्बत हम हमें नसीब होगी आखिरी बात इस सिलसिले में इस पॉइंट के ताल्लुक़ से अल्लाह का हमेशा मुराबा करें अल्लाह ताला हमेशा जैसे मैंने कहा अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें खुद अपने नफ्स की अल्लाह देख रहा है अल्लाह सुन रहा है एहसास जब हमारे अंदर होगा गुनाहों से बच जाएंगे बस बसे आएँगे ख्याल आएंगे शैतान की तरफ से लेकिन वो ख़ ख़त्म होंगे जब यह एहसास हो अल्लाह देख रहा है अल्लाह सुन रहा है मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा इसी तरह देखिए आखिरी बात महासब नफ्स की आ, कई शक्लें हो सकती हैं सूरतें सूरतेंमूमी तौर से ने दो खस्में बताएँ कोई भी अमल इबादत करने से पहले मुहासभा करें अपना और जब अमल हो जाए तब भी अपना मुहासभा करें कोई काम हमें करना है सोचें काम नेक है यह बद हैं अच्छा काम है बुरा है खैर है शर है, ये किताब व सुनत के मुआफ़ हैं नहीं हैं अल्लाह को पसंद है नहीं है तरीक़ा प्यारे नबी सा है नहीं अमल करने से पहले गौर फिक्र कर करें नीयत खालिश कर लें अमल अंजाम दें कुछ मुहासबा जो कुछ अमाल ऐसे हैं करने के बाद हमें मुहासभा करना पड़ेगा कि अमल जो हमने किया यह सही था नहीं था ये दुनिया के लिए हमने किया इसमें दिखावा रिया थी ये काम अल्लाह के लिए हमने किया या बंदों को खुश करने के लिए मालो दौलत हासिल करने के लिए शहरत के लिए किस मकसद से हमने किया तो कभी मुहासबा अमल करने से पहले करना पड़ता है और कभी अमल के बाद है और जैसे मैंने शुरू में कहा मुहासबा हम रोज़ाना करें रोज़ाना करें अल्लाह से आखिर में जो दुआ है कि रब़़ूजल हम तमाम को सही मानो में इस मौजू से मुतल बातें और बहुत सारी हैं क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्ला आलमीन हम तमाम को जिस मकसद के लिए अल्लाह पैदा किया मकसद हकीक को समझने की तोफ़ा फ़रमाएँ उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह से आदत न से फरमाएँ अल्लाह ताला जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अमल करने की और अच्छी बातों को दूसरों तक तो पहुँचाने की भी शादत अल्लाह नरमाए वबाओं से बलाओं से बीमारियों से अल्लाह ताली हर हर एक की हिफाजत फरमाएँ जब तक अल्लाह ताली दुनिया में ज़िंदा रखें ईमान पर जिंदा रखें खातिमा हो तो ईमान की हालत में होसन खातिमा अल्लाह न से फरमाए बारहाँ हर दिन हर रात